이걸. 가요, 임마. बहुत थक गए होंगे आप, चलिए कहीं आराम आराम कर लेते हैं। पुष्पा, पुष्पराज, मैं बैठेगा तो समझेगा दुनिया वाले में झुक गया। अरे भाओ, बैठने की बात कर रहा, झुकने की नहीं। हाँ चलो कहीं बैठ लेते हैं। बैठो ही। अरे भाओ, का रे? एक बात बताओ, शादी वादी करवा के टोपिया पहन के खाली घूमबा? ये शकल देख रहा है, शकल देख के तो बड़ बड़ मेहमान भाग जाता है। चल हमार सदिए ना है, वो तो हमार कर्म फूट गया है। पुष्पा, पुष्पराज, पुष्पा, पुष्पराज, ना जाने कब मेरी शादी हो और ना जाने कब मैं ये टोपी पहनूंगा। का कीजिएगा भाऊ, आपको तो कोई पसंद ही नहीं करता। पुष्पा रुको, अभी कॉल लगाता हूँ, शादी की बात करता हूँ। लगाइए लगाइए। चौरानवे 400 95 500 92 और बाकी तो। हेलो, कौन? पुष्पा बोलो मेरी जान, मेरा सोना, मेरे बाबू, बोलो मेरी जान, क्या आयो माँ। पुष्पा, पुष्पा नाम सुनकर छोकरी समझा क्या? छत्ता हूँ मैं। आयो रे माँ। कौन था भाऊ? कोई नहीं, रोंग नंबर था साला। भाऊ एक बार फिर से लगाओ, क्या पता सही नंबर लग जाए। हाँ रुको, देखता हूँ। लगाओ लगाओ। मैं पुष्पा, पुष्पराज। क्या काम है? आपसे शादी की बात करनी है। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, तू कहाँ हो मेरी जान? बाबू सोना कहाँ हो यार? आयो रे माँ। क्या हुआ भाऊ? साला कहीं भी फोन लगा और कोई मेरे को लड़की समझ लेता है। तू साला नाम ही ऐसा रखता है जो हर कोई तुझे माल समझ लेता है। लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला, शादी तो करके ही रहेगा। साला मुंह तो भैंस के पिछवाड़े जैसा है, चला है शादी करने। तो साला तेरी कौन सी सही है? तेरी भी तो सुअर के पिछवाड़े जैसी है। साला इस जन्म में तो तेरी शादी कभी नहीं होगी।
शादी तो मैं करके ही रहूंगा। चल छोड़ वो सब बातें, इधर आ, मैं तेरे को एक बात बताऊं। एक बार मेरी शादी हो जाने देना तो मैं अपनी बीवी की साड़ी तुझसे ना खिंचवाई तो मेरा नाम भी पुष्पा नहीं, समझा? क्या साला, मेरी फीलिंग कोई नहीं समझता। देख तेरा भाई कितना लाचार हो गया, क्या हालत बना रखी है। देख मेरा हाल ये। भाऊ मत रो, छोड़ दो ये सारी वादी का चक्कर उठकर। भाऊ भाऊ क्या है? मत मान। अरे नहीं रे, तेरा भाई इतने दिनों से साथ है और कभी बुरा मानता किसी चीज का? बोल भाऊ, आप जिसके लिए परेशान है ना, मैं आपको 200-300 दिलवा दूंगा। अरे हमारा शादी नहीं आयो दिमाग, शादी नहीं तो कलुआ सब बता दे, मेहमान आओ तो देख के भाग जाते, 5,000-10,000 खर्चा होती है।